डॉक्टर बीपी अशोक जिन्हें विरासत में समाज सेवा मिली, पुलिस की सेवा मिली और संबंध प्रकाशन को गौरव मिला इनकी पुस्तक के प्रकाशित करने का। आज हमारे बीच में वक्ता के रूप में पधारे हैं, हम इनका हृदय से स्वागत करते हैं और चाहेंगे कि इनके विचारों से सभी लाभान्वित हों। कई किताबें उन्होंने छापी, पिताजी की किताबें बहुत छापी हैं। निश्चित रूप से उनका जो मिशन है एक दिन सफल होगा, लेकिन बहुत से लेख, बहुत से कविताएं, बहुत से रंगमंच जब पढ़ने को मिलते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि लोगों ने बिना पढ़े हुए लिखना शुरू कर दिया। अपेक्षा कर रहा हूँ, शिकायत नहीं कर रहा, क्या बिना भगवान बुद्ध को पढ़े हुए, बिना सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़े हुए, बिना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 संहिताओं को लिखे हुए पढ़े हुए उसे अपने जीवन में उतारे हुए सम्यक साहित्य या बहुजन साहित्य लिखा जा सकता है? जहां तक बात है जिसे तथाकथित दलित साहित्य कहा जाता है उसके बारे में मेरी अपेक्षा है और ये शिकायत भी है कि इस देश के अंदर साहित्य को विभाजित नहीं किया जा सकता। भगवान बुद्ध ने जब कह दिया दुख है उसको मान लिया, दुख का कारण है उसका निवारण है, तो निश्चित रूप से साहित्य जब चोट करता है तो वो दर्द पर चोट करता है और जिसको भी दर्द है वो बहुजन की कैटेगरी में आता है। बहुजन साहित्य, बौद्ध साहित्य सिनोनिमस वर्ड हो जाते हैं। निश्चित रूप से सम्यक साहित्य या बहुजन साहित्य ज्यादा एप्रोप्रिएट वर्ड है। बिना 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़े हुए बहुत से हमारे साथी लेखक और कवि अपनी रचनाओं में, अपने लेखों में चमत्कार प्रियता दिखाने लगते हैं। कई बार उनका अंधविश्वास और उनका उपजातिवाद जागने लगता है, उनका जातिवाद जागने लगता है। अगर मिशन का काम करना है तो स्पष्ट तौर से एक दिशा निर्धारित करनी पड़ेगी। एक तरफ अंबेडकरवाद है और दूसरी तरफ सारे विवाद हैं, सारे विवाद, सांप्रदायिकता हो, जातिवाद हो, उपजातिवाद हो, क्षेत्रवाद हो, भाषावाद हो। अगर हमारे साहित्य का संवर्धन करना है तो हमें भाषावाद भी छोड़ना होगा। बिना अंग्रेजी साहित्य के, बिना पाली साहित्य के हिंदी साहित्य में ना अनुवाद का कार्यक्रम चलेगा ना सफल होगा। और अगर आप 22 प्रतिज्ञाओं को अपनाते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपनाते हैं, कोई भी किताब या लेख, सभी लेखकों से यह अनुरोध है कि एनाइलेशन ऑफ कास्ट पढ़े बिना एक पंक्ति भी अगर आप लिखते हैं तो आप अन्याय करते हैं। समस्या चाहे दहेज प्रथा की हो, चाहे राष्ट्रवाद की कमी की हो, चाहे आतंकवाद की हो, इस देश में कास्ट ही ऐसी ट्रेनिंग देता है, जाति जो एंटी नेशनलिज्म की ट्रेनिंग देता है, कम्युनलिज्म की ट्रेनिंग दी और सेक्स डिस्क्रिमिनेशन की। जब तक कास्ट खत्म नहीं होगी और उस कास्ट को अगर हमारे लेखक ही अपने ऊपर ओढ़े जाएंगे, वो खुद ही लिखे रहेंगे, कोई बासी, कोई चमार और बहुत सारी कितनी बिरादरियों का नाम लें, जब लेखक ही उन नामों को ओढ़े जाएंगे, स्वीकार किए जाएंगे, रिकग्निशन देंगे तो एनाइलेशन ऑफ कास्ट का ड्रीम तो पूरा होगा नहीं। और कोई भी सब कास्ट या कास्ट ये सोचती है कि कोई एम्पावरमेंट मूवमेंट कास्ट को लेकर चल सकता है तो उनको अस्तित्व में बता दूं 1102 तरह के त्रिशूल कास्ट हैं, 3000 से ऊपर ओबीसी और अकेले चमार 112 कास्ट बटे हुए हैं। क्या कोई एकता का, संघर्ष का कार्यक्रम सफल हो सकता है? मैं अपनी बात को लंबी न करके यह अनुरोध करूंगा कि हमारे लेखकों के ऊपर, साहित्यकारों के ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार है, डेमोक्रेसी को, सेक्युलरिज्म को, संविधान को, इन सबका संरक्षण, इनकी रक्षा आपकी जिम्मेदारी है। आप फ्रेंड, प्लस वन एंड गाइड है समाज के,
साहित्य समाज का दर्पण है, बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज आपसे अपेक्षा है कि आप मार्गदर्शन करें उन प्रतिनिधियों का जो धोखा दे रहे हैं, उन अधिकारी कर्मचारियों का जो धोखा दे रहे हैं, उन सामाजिक कार्यकर्ताओं का जो धोखा दे रहे हैं। आपके हाथ में किताब है, आपके हाथ में कलम है, आपको यह ऐलान करना होगा कि हमारी कलम, हमारी आवाज और हमारा चरित्र ईमानदार है और हम साथ हैं। बहुत से लोगों ने यह प्रयास किया कि हम सरेंडर कर लें वर्ण व्यवस्था के साथ और विरोध किया अपने लेखों में। आज सुबह एक बहुत विद्वान लेखक का लेख पढ़ रहा था, उसमें लिखा कि हाँ जातिवाद खत्म होना चाहिए लेकिन वर्ण व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। लानत है ऐसे साहित्य पर, इन साहित्यकारों को शर्म आनी चाहिए क्या वर्ण व्यवस्था बचाए रखने के लिए साहित्य लिखते हैं। अगर साहित्यकार धोखा देगा तो प्रतिनिधि भी धोखा देगा, अधिकारी भी धोखा देगा। आपका जो कार्य है, जो कंट्रीब्यूशन है, जो आपकी भूमिका है, बहुत पवित्र भूमिका। आपके ऊपर कोई जोर नहीं है कि नो कॉन्फ्रेंस मोशन आएगा, किसी सर्विस कंडक्ट रूल से आप नहीं बंधे, आप रूल ऑफ लॉ से बंधे हैं और रूल ऑफ लॉ को स्वीकार करना बहुजन साहित्य में मना नहीं है, वो उसको स्वीकार करता है और दुनिया में सबसे पहले स्वीकार करता है। उसको स्वीकार करते हुए अंदर कर देना बाबा साहब की जो लेखनी है उसको पढ़ करके सबसे पहला काम करिए अपना जाति सूचक नाम हटाइए और जो पक्ष छूटे हुए हैं, सम्राट अशोक जैसा हीरो उसके ऊपर कितनी किताबें लिखी हमारे साहित्यकारों ने, चंद्रगुप्त मौर्य जैसा हीरो कितनी किताबें लिखी, कितनी कविताएं लिखी गई, कितने अत्याचार हो रहे हैं, होना है चाहे रोज मामला, बहुत से आपके पास ट्रॉफी है। अभी एक फिल्म आई आर्टिकल 15, संघर्षों के बारे में बहुत अच्छा चित्रण किया। यह आवाज, यह अपील आपको क्यों नहीं पहुंचती अगर आप बहुत पहले ये साहित्य लिख चुके होते? निश्चित रूप से फिल्मों ने, टीवी ने, रेडियो ने इसको स्वीकार कर लिया होता। कोई भी चीज आती है, चाहे फ्रांस की क्रांति हो, चाहे अमेरिका की, रूस की, जब तक इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन नहीं होगा तब तक आगे चल करके समाज में, राजनीति में कुछ भी नहीं होगा। अगर होगा भी तो अस्थाई होगा। ये इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन की जिम्मेदारी आपकी है। मैं बात लंबी नहीं करूंगा, आज कई कार्यक्रम है एक साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। इसके साथ इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन आपको करना है और सामाजिक बदलाव अपने आप होगा। जय भीम, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।